वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आप सभी का बंटी हिमाचल यूट्यूब चैनल में। आप बोलते होंगे बहुत दिनों के बाद ब्लॉग लेकर आ जाता है, सो उसके लिए सॉरी। एंड आज का ब्लॉग कुछ ऐसा होगा, आज हम आए हैं अपने घर के पास एक गंगत नाम की जगह है जहाँ पे इंटरनेशनल फेयर होता है, वहाँ की कुश्ती बहुत फेमस है। सो आज थोड़े दिनों के बाद वो मेला स्टार्ट होने वाला है, सो आज वहाँ का ब्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। होप करता हूँ आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। गाइस यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से पहलवान जो है इस कुश्ती को लड़ने के लिए आते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ यहाँ से व्यू, जहाँ से आप बैठ के आप अच्छे से यहाँ इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे होगी कुश्ती, तो यहाँ पे आप VIP सीट्स होंगी जो कि VIP लोगों के लिए अवेलेबल होंगी एक फ्लोर नीचे में। ये मेले की खासियत ये है, जो यहाँ पे कुश्ती होती है एक टाइप से इंटरनेशनल फेयर है, और यहाँ पे जो विनर प्राइज होता है कुश्ती में 1 करोड़ तक पहलवान को देते हैं, तो काफ़ी दूर से लोग आते हैं, इंटरनेशनल फेयर है तो बहुत मज़ा आता है देखने में। तो होप करता हूँ आपको जो भी ब्लॉग होगा वो आपको पसंद आएगा, और जो भी यहाँ का शॉर्ट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कुश्ती होती है और कहाँ पे लोग आते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे मैनेज होता है। सो चलो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, तो मिलते हैं आगे। आप गंगत में आ सकते हो और यहाँ से जो ये इंटरनेशनल फेयर है इसको एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ से। कुश्तियां बाकी लिखिया नहीं होनिया, ये ध्यान दो प्लीज पहलवान बैठो। खाड़ा जहाँ पे कुश्ती होती है और यहाँ पे बैठते हैं VIP लोग। सो अगर आप आते हो तो बहुत भीड़ होती है तब, सो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पे, और यहाँ का नाम गंगत है एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मिलते हैं। ये देखो मेरा दोस्त नीचे मेरे को वेट कर रहा है, देख सकते हो। तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, लोग पूरे छत से चढ़ के पेड़ों पे चढ़ के यहाँ पे कुश्ती देखने आते हैं। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आगे। मेरे दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं, क्या हाल है? ये गलत हो गया मतलब। ये काफ़ी इंटरनेशनल कुश्ती होती है यहाँ पे, जो विनर प्राइज है वो 1 करोड़ रुपए है, तो कभी कभी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह। तो काफ़ी पंजाब वगैरह के जो पहलवान होते हैं वो यहाँ पे कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं। बाकी हम तो यहाँ पे लोकल हैं, हमारे यहाँ पे घर हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है जो इतने दूर दूर से पहलवान जो कुश्ती लड़ने के लिए आते हैं। बाकी अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।